हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई स्वागत है आपका नए व्लॉग में और नए दिन में। तो भाई चलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, टाइम हुआ है अभी 7:56 और सबसे पहले ऑफिस खोलना, उसके बाद कंपनी जाना है। तो चलते हैं। जय माता दी, जय बाबा बोल राम की। तो भाई ऑफिस पहुंच लिया, ऑफिस खोलते हैं। और हाँ एक बात और, आज जो अपने पाठ चल रहे हैं 5 दिन के हैं, तो आज है चौथा, कल लास्ट है और छठे दिन होगा, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी हवन, 7 बजे के करीब जल्दी हो जाए, 6:30-7 बजे तो उसका हवन का सामान आज पंडित जी लिख देंगे, वो लेकर आना हर हाल में। और आज इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि यार कुछ एक दो कुछ सामान रह भी गया तो अपना 5वें दिन कल आ जाएगा, लेकर आने को तो कल भी आ जाएगा पर दिक्कत हो जाएगी अगर कुछ रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आज ही निपटा दूंगा यह काम है। तो भाई व्लॉग में बने रही हैं। और दूसरी चीज, अपनी एक्सरसाइज थोड़ी हल्की हो रही है अभी, मतलब टाइम को थोड़ी दिक्कत हो रही है, जैसे टाइम मिल रहा है दिन में 12:00 बजे तो गर्मी इतनी हो रही है, वह टाइम अकेला रहूँ वैसे मन ना करे। फिर उसके बाद रात को टाइम मिला है 9 बजे, 9:30-9 बजे, तुमने व्लॉग पिछला देखा भी होगा, रात को 10:30-10 बजे मैं एक्सरसाइज कर रहा है। तो पर कोई ना छोड़ेंगे ना, हल्की फुल्की कर तो रहूंगा क्योंकि यार छोड़ दें ना तो और दिक्कत हो, बॉडी बिल्कुल जो मतलब जितनी भी जैसी भी रहे वो सब खत्म हो जाए कुछ दिन में ही, कुछ दिन की डाइटिंग है कुछ दिन की उसमें ही एक्सरसाइज में ऐसी मतलब पहली जैसी हो जाएगी। तो छोड़नी ना, कंटिन्यू रखेंगे चाहे थोड़ी बहुत करनी पड़े। तो चले भाई ऑफिस खोल लेते हैं। यहाँ यार खुद को टाइम ना, यहाँ 1 घंटा यार गाड़ी को चाहिए भैया टाइम, यहाँ साफ करने को 1 घंटा चाहिए। तुम कितनी धो लो यार, कितनी कैसे कर लो, पर डेली कपड़ा यहाँ में लग तो रहना चाहिए, नहीं तो भाई ऐसी की तैसी हो जा, दोबारा ऐसी हो जावे, देखो कितनी धूल जमगी। मैं सुबह करके लाया, मैंने बाहर खड़ी कर दी, फिर ऐसी होगी धूल जमगी के अलग अलग, और दिखे और मतलब मेन है मैं दिखे ज़्यादा धूल वूल। हाँ एम टी में भाई बहुत अच्छी अच्छी कंपनी भी आ गई, बड़ी बड़ी कंपनी भी आ गई। पहले तो शुरुआत में तो छोटी छोटी कंपनी आई और अब टू वेयर योर सीट बेल्ट फॉर अ सेफ ड्राइव, बिल्कुल बांधेंगे सीट बेल्ट, और अब मतलब बड़ी बड़ी कंपनी भी आ गई यहाँ पे, मतलब तगड़ा रोजगार होगा वैसे सही। तो चलते हैं भाई वापस से घर, अब कंपनी से तो होगा फ्री और करेंगे अपना मतलब कपड़ा चेंज कर लूँ, इन्हें बदल लूँ, लोअर टी शर्ट पहन लूँ, इनमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील मैं करूँ ना कभी भी, थोड़े बहुत देर पैर सकूँ मैंने 1-1.5 घंटा बस, फिर दिक्कत हो जाए, परेशान सा लगूँ, ऐसा लगे जैसे कितना भिच रहा हूँ, जब बेशक मैं कितनी लूज शर्ट पहन लूँ कितनी लूज जींस पहन लूँ फिर भी ऐसा लगे जैसे पता ना भिचूँगा, अजीब सा फील हो गया। तो ये बदल के फिर चलेंगे मार्केट। लो भाई एक कलेश और होगा जल्दी जाने के चक्कर में, देखो टायर कहाँ फंसो, और टायर बिल्कुल फिक्स आ रहा है हमें, जोर ही ना लग रहा भाई गाड़ी पे, कहाँ फंसी है, चौड़े टायर के भी एक डिसएडवांटेज आज भी पता पड़ेगा कि फिक्स आ रही है तो जोर ही ना लग रहा है। अरे भाई एक लड़की की वजह से हुआ, एक लड़की गाड़ी लेके जा रही है, साइड ही ना बचाई, साइड में मार दी, टच कर दी गाड़ी में, मैंने बचाने के चक्कर में यहाँ ली तो फंसी गई, एक बाइक और आ रही सामने से, अब खिंचेगी भी ना, खींच भी दे कुछ पता ना, खींच देगी वैसे तो, पर वो बांधने को विक्रम ला रहा हो, वहाँ वो ट्रैक्टर भी ला रहा हूँ, मंगवा दी मैंने, ट्रैक्टर तो ही निकलेगी बढ़िया। तो भाई चलो शुक्र है गाड़ी निकलेगी, और भाई वीडियो इसलिए ना बना पाया क्योंकि अकेले चलाने वाला, अकेले ही मैंने ईट वीट डाली हुआ मैं पीछे, और थोड़ा सा ऐसी जोर मार दी और निकल गई, पहले बिल्कुल भी जोर ना लग रहा क्योंकि नाली थोड़ी गहरी, तो उससे जोर ना मतलब गाड़ी जोर ना लगा भाई, 4x4 तो है ना भाई, 4x2 है, जोर लगाती कहाँ से यार भाई, ये जो लड़की चला ना गाड़ी भाई बड़ी दिक्कत है, मैं सबके लिए ना कह रहा पर ज्यादातर मैक्सिमम जो 80% लड़की है ना, पता ना इन्हें गाड़ी देवे क्यों है जनता यार, क्यों चला हुए ये गाड़ी इन्हें भाई, मेरे यहाँ शीशे में मार दिया मैं, और मैं बचा तो जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रोक ले रोक ले रोक है ना, मन की अगर मैं रोकू तो यहाँ मार दे पूरे में घिस्सा मार दे, मैंने साइड में वो नाली में घुस गई। चल भाई शुक्र है गाड़ी निकल गई भाई, जयराम जी की देव माते सदा जय हो। देखो शक्ल दिखा दो, पूरी गाड़ी साफ है, टायर देख लो पूरा टायर चलोगा भाई, जोर कहाँ से लगता, पर चलो निकल गई भाई, बस भैया कपड़ा चेंज कर लो फिर चलेंगे मार्केट, या थोड़ा सा धुआ पानी मार दूंगा मैं, अब थोड़ा भाई कसालो कर लें अपने हाथों से, इसे थोड़ा सा टायर धो लें और थोड़ा कपड़ा मार दें हमें, देखियो कितनी कीचड़ निकली है। तो चलते हैं भाई मार्केट और ले आवे सामान हवन का,
फिर फ्री हो जाऊंगा, कल कोई टेंशन ना रहेगी सामान लाने की। डीजल गिरवा ले पहले हमें। लेकिन किसान की मांगे सामान तो होगा अपना भाई, हवन का यूरो सारा किसान के हित में नहीं है। और अब थोड़ा सा गर्मी हो रही है, ठंडा कर लें पेट है। अंकल जो बड़ा व्यापारी छोटे नहीं करता, ठंडा ही चाहिए यार, ठंडा ही चाहिए। इस कानून का अंकल थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, भाषण देख रहे हैं यूट्यूब पर। जब सही कैसे कह, मैं चीता ही कह दे, कैसे कह याद हो गई, विक्रम दो पहले, विक्रम पकड़ जल्दी, विक्रम ना जावे, चीता ही कह दे, ऐसा क्या चीता ही कह दे, ऐसे कहिए विक्रम एक बार चीता। हाँ और भाई सामान तो अपना पूरा आ गया, बस जो कोई इक्का दुक्का वैसा तो सब कुछ है ओके, पर पंडित जी चेक कर लेंगे, अगर कोई रह भी जाएगा तो अपना कर ले आएंगे, इसलिए मैं आज जल्दी ले आया। और भाई सुबह गाड़ी दे या नाली में फंसी, या नाली में टायर चलाओगे बिल्कुल फिक्स। अरे मारो मारो, पंडित जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोग डाल देना भी। ओ भाई चलो पंडित जी आपकी बारी है, जल्दी जल्दी व्लॉग में आ जाओगे तो मुझे पास एक बस ठंडे चीज के पास ले, तीन हुए तीन। चलो पंडित जी सुनो, मैं सोच रहा हूँ आप ज्यादा मारोगे, आप इतनी डाइटिंग करो योगा करो, जबी तो क्या खाई करो ढंग से जबी तो एनर्जी आएगी। तुम सारे हार गए इन पंडित जी, मैंने बता दी। लो पंडित जी ने भी एक्सरसाइज करवा दी मैंने तो, और अभी वाली भी डाल लेंगे, पब्लिक का मजा आ जाएगा। पंडित जी जिम पंडित जी जिम मार रहे हैं, बड़े पंडित जी तो हम पापा गिल भी जी हैं। ठीक मार दिए, कितने मार दिए, 30 सही है भाई। आज तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, देखिए हम गुप्पम गुप्पम दे रहा, लाइट ना आ रही, पता ना कब से इन्वर्टर बंद होगा। और ये लगा लो 8 बज चुके हैं, पता ना मैं वहाँ जाऊँगा ना जाऊँगा, क्योंकि अभी यहाँ पंडित जी ने खाना वाना खिलाना है, तो उसके बाद ही जिम जाता हूँ। अब जिम अपनी एक्सरसाइज आज रह ही जाएगी शायद, अगर लाइट आ गई जल्दी तो कर लूँगा, नहीं तो भाई कैंसिल है, फिर देखेंगे कर ली अपनी एक्सरसाइज। भाई लाइट आ गई, अब चलते हैं, खाना वाना खिला दिया, सब काम से फ्री होगा, बस थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज करी आऊँगा। टाइम तो खैर 9:30 बज गए, पर कोई ना 2-4 एक्सरसाइज कर लूँगा जल्दी जल्दी। फोटो शूट हो रहा है वहाँ पे तो भाई, हाँ जी, गाड़ी के पीछे मन कोई दिक्कत ना, अपनी गाड़ी है आराम से खेचवाओ, 10-5 हज़ार फोटो और रुपया जमा कर दीजिए मोहित भाई के द्वारा। मैंने कह रहा कि अंदर बैठने के फोटो हो गए, अंदर बैठने के अलग है, बाहर बैठने के थोड़े कम है ना। स्टार्ट कर दी, कर दी, फूक भर लो, ना फूटा को, ना फूटा को, हम का जोर मार रहा हो तो देख लीजिए, ले एक बार में फोड़ दूंगा, ठीक है, मान गया, शेर चीता ही कह दे। तो भाई घर पहुंच लिया, और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग को यहीं एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। भाई व्लॉग को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है जी, राम राम जी।